सीजफायर समझौते और कश्मीर पर क्या बोले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को क्यों मजबूत करने में जुटा है पाकिस्तान, एलएसी विवाद पर चीन का क्या है लेटेस्ट बयान, चालबाज चीन और पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन पाक में। सीजफायर समझौते के बहाने इमरान खान एक बार फिर कश्मीर पर रोना रो रहे हैं। इमरान ने ट्वीट कर कहा कि वो सीजफायर समझौते का स्वागत करते हैं। इमरान के ट्वीट में आर्टिकल 370 का भी दर्द दिखा। इमरान ने कहा कि भारत को कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्भर बनने की मांग को पूरा करना चाहिए। बालाकोट एयर स्ट्राइक का खौफ पाकिस्तान में इस कदर है कि वो अब अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में जुट गया है। एयर स्ट्राइक से बचने के लिए पाकिस्तान चीन से एंटी एयरक्राफ्ट गन खरीदने की तैयारी में जुटा है। IBIS 150 रडार सिस्टम लेने का पाकिस्तान ने चीन से करार किया है। दक्षिण वजीरिस्तान में आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान का कमांडर हसन बाबा सुरक्षा बलों के एक ऑपरेशन में मारा गया। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक हसन बाबा साल 2007 से 50 से ज्यादा सेना के जवानों की हत्या में शामिल था। पाकिस्तान में बिजली बिल के साथ साथ खाद, ईंधन और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को लेकर इमरान सरकार के खिलाफ किसान सड़क पर उतर आए हैं। पाकिस्तान के कई इलाकों में किसानों ने प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान में किसान खाद बिजली की कीमतें कम करने की मांग कर रहे हैं। डच के बंदरगाह रॉटरमैप पर पाकिस्तान से भेजी गई एक बड़ी नशे की खेप जब्त हुई है। रॉटरमैप बंदरगाह से डच अधिकारियों ने पाकिस्तान से आए कंटेनर की तलाशी ली तो उसमें छिपाकर रखी गई 1.5 टन हेरोइन बरामद हुई। खुलासा हुआ है कि नशे की खेप अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंची और फिर इसे डच भेजा गया। कुवैत से भारत लाए गए गजनवी फोर्स के कुख्यात आतंकी शेर अली से पूछताछ के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और सेना ने संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान कई हथियार बरामद किए हैं। कुवैत में रह रहे आतंकी शेर अली को ISI ने आतंकवादियों और हथियारों को भारतीय क्षेत्र में पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट को लेकर भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बात की। 75 मिनट के फोन कॉल में एस जयशंकर ने अपने समकक्ष वांग यी से देपसांग और दूसरे इलाकों को भी खाली करने को कहा। बातचीत के बाद दोनों विदेश मंत्रियों के बीच हॉटलाइन शुरू करने पर फैसला हुआ। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि एलएसी के फ्रंटलाइन से सैनिकों की वापसी पर भारत चीन के बीच बढ़ रही दूरियां कम हुई हैं। वांग ने कहा कि पेंगोंग से डिसएंगेजमेंट पूरा कर लिया गया है और स्थिति बेहतर करने के लिए सीमा पर कमांडर लेवल की बात आगे भी होती रहेगी। गलवान घाटी में हुए संघर्ष में चीन के सैनिकों की मौत पर सवाल उठाने वाले चीनी नागरिकों को CCP गिरफ्तार कर रही है। खबरों के मुताबिक चीन में विरोधी चीनी सरकार पर जान गंवाने वाले सैनिकों की संख्या छुपाने का आरोप लग रहे हैं। अब विरोध करने वालों को दबाया जा रहा है।